ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महावीपताय अनंत संचार चक्र परिमात्माय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे नरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय गाती कर्म विनाशनाय अगाती कर्म विनाशनाय अस्माकम अपवायम आज के शांति धाराकर्ता परिवार श्रीमती सुषमा जी जैन नीरज जी जैन श्रीमान पुलकित जी जैन स्पर्श जैन परिवार की तरफ से आज की शांति धारा जिन राणा प्रताप बाग से श्रीमान सतीश जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर की सुख शांति व समृद्धि के लिए परिवार के द्वारा आज की शांति धारा अजय जी जैन चारू जी जैन अमन जैन ईशिता जैन अभीर जैन परिवार राणा प्रताप बाग श्रीमान अशोक जी रजनी जी जैन नरेंद्र जी संगीता जी जैन जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रताप बाग श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर तिस्ला सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी रिश्वी टिया आर्य सोनी प्रीत विहार स्वर्गीय श्री कमल चंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन सुनील जैन स्वाति जैन परिवार सीसी कॉलोनी श्रीमान नसीब सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रिद्धि झा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंत चावत चिरंजीव हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोगता सहित कामना के लिए शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार अजय जैन रितु जैन शक्तिनगर परिवार की तरफ से शांति धारा श्रीमान सुरेश जी जैन नीरज जी जैन खिलौने वाला परिवार रूपनगर श्रीमती शकुंतला जी जैन सह परिवार बुद्धा अपार्टमेंट आजीवन शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार राजेंद्र जी मीना जी नैन्सी अभिषेक रुचि सेठी पुलकित परिवार शक्तिनगर परिवार की तरफ से शांति धारा श्रीमती निर्मला बहन महावीर लाल जी जांगड़ा निकिता जी अमित कुमार जी सोनम हितेश कुमार खुशी प्रांशु वरा एंड समस्त जांगड़ा परिवार अहमदाबाद परिवार की तरफ से भी आज की शांति धारा एक और परिवार की तरफ से 2100 रुपए की राशि गुप्त दान में दी गई उस परिवार की तरफ से भी आज की शांति धारा अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गभयम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वस्वयमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविस्मारी सर्वेतालसाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माक्षगम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व पव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवट मठम द्रोण मुख सम्भानंदनम कुरु कुरु स्वा सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व जयमानंदनम सर्व तुकानंद पद पद कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वा यत् सुखम त्रिजुलोकेषु व्याधि व्यर्थन वर्जितम अभयम से आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु शिवम अस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यम अस्तु अस्माकं पुष्टि रस्तु तुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याणम अस्तु सुखम अस्तु अभिवृद्धि रस्तु दीर्घायु रस्तु कुलगोत्र धनानी सदा संतु सहधर्म श्री बाल रोगे वैग्य वृद्धिस्तु न सधर्मस्य वर्षिष्य वर्गः प्रसीदन्तु न ओम राम रीम रूम रोम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु नरकादि चतुर्गति दुःख विनाशनं भवतु।
ओम रीम श्रीम क्लीम हरमसी आउचा अनाथ विद्याय नमो यंत्रणम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजे कानाम प्रतिपाले कानाम यतेन्द्र सामान तपो दधानाम देशस्य राजस्य पुरस्य भगवान की जय। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज जो मुख्य वेदियां पांचों हमारी हैं, जिसमें पहली वेदी में तीनों प्रतिमाएं भगवान पार्श्वनाथ की है, उसकी यह तीसरी प्रतिमा एक लगी हुई है, एक हमारे पास जो ऊपर है, और ये तीसरी प्रतिमा आज जयपुर से आ चुकी है। इसके पश्चात दूसरी प्रतिमा आप सभी के सामने जो रखी है, कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, जो आप सभी के समक्ष है। तीसरी प्रतिमा चंदा प्रभु भगवान की, जो एक वेदी पर आएगी। चौथी प्रतिमा आपके समक्ष, पांचवी भी आपके समक्ष। इसी तरीके से ये जो प्रतिमाएं हैं सभी मुख्य वेदियों की हैं, और ये मुख्य वेदियां जो हमारा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जैसा आप सभी को पता है, बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत ही बृहद रूप में 19 से 25 अप्रैल 2024 तक, जिसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में, ब्रह्मचारिणी रंधा दीदी के निर्देशन में होने जा रहा है, ये आप सभी के समक्ष है। और इसी तरीके से जो हमारी 24वीं आप सभी के समक्ष, जैसा आप देख रहे हैं, 24वीं नहीं बन रही है, यहाँ पर 24 भगवान के 24 मंदिर अलग अलग, जिसमें करीब ये 450 किलो की एक प्रतिमा धातु की, जैसी 24 आप सभी के समक्ष जो दिखाई दे रही है। बंधुओं, कोई भी परिवार चाहे, अभी हमारे पास में 6 मंदिर व 6 प्रतिमाएं शेष रही हैं। कोई भी परिवार चाहे मात्र 21 लाख रुपए की राशि देकर के इस पुण्य लाभ को ले सकते हैं। शायद आपके जीवन में दिल्ली जैसी जगह पर, जीटी करला रोड जैसी जगह पर, जहाँ पर नित प्रति 500-600-700 लोग दर्शन करने आते हैं, ऐसी जगह पर आपके मूर्ति और मंदिर बनवाने का जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, उसे अवश्य लेवे। मात्र 21 लाख रुपए की राशि देकर के इस पुण्य को आप कमा सकते हैं, क्योंकि समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक हमारे इन सभी मूर्तियों का जो पंच कल्याण, 24 भगवान के 24 मंदिर जो अलग अलग बन रहे हैं, उनका पंच कल्याणक निश्चित हो चुका है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, 6 वेदी 6 प्रतिमा हमारे पास शेष है, 19 बुक हो चुकी है, कोई भी परिवार चाहे लेकर के इस पुण्य लाभ को ले सकते हैं। ये दिल्ली जैसी जगह पर आप सभी का सौभाग्य होगा। जल्दी करें, देर ना करें, और अपनी चंचला लक्ष्मी, जो आप अपना घर, अपना कमरा, चाहे लाखों लगाए चाहे करोड़ों लगाए, जो भगवान का मंदिर बनाता है उसका अतिशय अलग से होता है, आपके पूरे परिवार का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा मंदिर के अंदर, और उस मंदिर पर केवल आपके परिवार का ही नाम आएगा, ऐसी भावना के साथ में। अगर किसी की भाव हो तो वो अपने परिवार की तरफ से ये कार्य करवा करके पुण्य लाभ ले सकता है। बहुत ही सुंदर मंदिर जो बनने जा रहा है, जिसके अंदर ये प्रतिमाएं जब रखी जाएगी, एक साथ 24 भगवान के 24 मंदिर, 5 मुख्य वेदियां, जब एक साथ आप देखेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसा आप सभी देख रहे हैं, श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, यह पहली वेदी जो भगवान श्री चंदा प्रभु भगवान की है आप सभी के समक्ष, जहाँ पर एकमात्र प्रतिमा भगवान चंदा प्रभु की विराजित होगी, यह वेदी बिल्कुल बनकर तैयार है। यह दूसरी वेदी है जिसमें भगवान महावीर स्वामी की मेन प्रतिमा व साथ में 2 प्रतिमाएं और यहाँ पर विराजित होगी, ये भी आप सभी के समक्ष है, बिल्कुल बनकर तैयार है। तीसरी मुख्य यह वेदी जिसमें तीनों पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं आएंगी, आप सभी के समक्ष बिल्कुल बनकर तैयार है।
चौथी ये आदिनाथ भगवान की वेदी, जिसमें एक मेन आदिनाथ भगवान की दो मूर्तियां और जहां पर विराजित होगी, ये भी बिल्कुल तैयार है। और पांचवी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की एक वेदी, जो आप सभी देख रहे हैं, आप सभी के समक्ष बिल्कुल बनकर तैयार है। केवल और केवल यहाँ पर जब पंचकला होगा तो यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित होंगी। बंधुओं, ये सौभाग्य दिल्ली जैसी जगह पर 1500 गज में बनने वाला ये विशाल मंदिर, जो एक अतिशय क्षेत्र जिसे कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करीब 887 परिवारों के द्वारा भूमि में मंदिर निर्माण में पैसा दिया गया, उन सभी की तरफ से उनकी भावना है। तो ये पंच कल्याणक भी वैसा ही होगा। आप सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज से ही अपनी टिकट 19 तारीख से 25 अप्रैल तक आने के लिए जरूर करा ले, क्योंकि ये सौभाग्य भी आपको मिला है। ये 24 ही है, जिस तरीके के 24 मंदिर अलग अलग बनेंगे आप सभी के समक्ष है, ये 24 मंदिर पूरे अलग अलग प्रकार से अलग अलग भगवान के, इस तरीके से आपके परिवार का जो हमारे पास में 6 मंदिर शेष बचे हैं, आप भी एक मंदिर बुक करा करके ये धर्म लाभ ले सकते हैं, ये पुण्य लाभ ले सकते हैं। ये भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ये सभी वेदियां जो आप समक्ष देख रहे हैं तैयार हैं, बिल्कुल फिट होना बाकी है, सभी बनकर के आ चुकी है, जगह बिल्कुल तैयार है। और दिसंबर लास्ट तक हमें उम्मीद है कि ये पूरे 24 के 24 मंदिर जब बन जाएंगे, जब इसके आप दृश्य देखेंगे तो शायद आप सोचेंगे कि ये कैसा अनुभव, कैसा मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। ये सब आपका सौभाग्य है। जो भी परिवार चाहे अपने परिवार की तरफ से एक मंदिर मूर्ति व वेदी, जिसकी राशि मात्र 21 लाख रुपए की है, देखकर के बंधुओं इस पुण्य लाभ को अवश्य ले लें। ये ऐसी नक्काशी जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाक्य में ही बहुत जबरदस्त कार्य है। हमारे आर्किटेक्ट साहब हमारे जो करवा रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्य ये किया जा रहा है। ये सब आप सभी के सानिध्य में, आप सभी के सहयोग से जो कार्य हुआ है, बंधुओं आप अवश्य आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आकर के इस पंच कल्याणक में अवश्य सम्मिलित हों, अवश्य सम्मिलित हों, अवश्य सम्मिलित हों। आप सभी से एक बार फिर निवेदन, मैं पवन जैन गोदा, श्री संकटरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से। पाषाण से परमात्मा बनने का सफर है पंच कल्याणक, परमेश्वर की आराधना का सफर है पंच कल्याणक। ऐसे सफर का साक्षी बनेगा दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, समस्त विश्व का जैन समाज। बहुप्रतीक्षित दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण पार्श्वनाथ जैन मंदिर का होगा श्री 1008 पार्श्वनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। मंगल आशीर्वाद संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज महोत्सव में पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज ससंग, निर्देशन बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी। तो आप सभी इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बन असीम पुण्य का संचय करें। पंच कल्याणक महोत्सव में माता पिता सौ धन इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक व अन्य पात्र बनने या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें